आम आदमी पार्टी ने रोस मार्च निकालकर आसमान छुती महंगाई से आमजन को राहत प्रदान करने की मांग की है। श्रीगंगानगर में 28 जून 2021 को आम आदमी पार्टी द्वारा जिला अध्यक्ष शंकर मेघवाल के नेतृत्व में आसमान छूती महंगाई के विरोध में आज गोल बाजार स्थित अंबेडकर चौक से जिला कलेक्टर तक रोस मार्च निकाला गया तथा जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर महंगी बिजली, दूषित जल तथा पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों से आमजन को राहत प्रदान करने की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी की मांग है कि आसमान छूती कीमतों को कम की जाए, इनके ऊपर टैक्स घटाएं या गवर्नमेंट कोई ऐसा कदम उठाए जिससे आम जनता को राहत मिली। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष शंकर मेघवाल ने मांग की है कि जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रदीप बेनीवाल, जिला उपाध्यक्ष दर्शन सिंह यादव आदि ने ये मांग की है कि जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है कि यहाँ पे महंगाई की जो मार है उसको कम की जाए। साथ ही साथ इन लोगों के साथ में अन्य लोग थे, जिला उपाध्यक्ष ओमराज पुरोहित, जिला उपाध्यक्ष नितेश शर्मा, गुरजीत सिंह हुदल, जिला सचिव एडवोकेट कुलविंदर सिंह, मोहित सेतिया, अनूपगढ़ विधानसभा अध्यक्ष जयपाल सिंह बराड़ा, सादुल शहर विधानसभा अध्यक्ष शमशेर सिंह बराड़, प्रेम शर्मा, दर्शन सिंह मैली, बलविंदर सिंह, जयनारायण, राजेंद्र कुमार सोनू जांगेड़ और अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे और यूनियन किसान यूनियन मजदूर यूनियन भी इनके साथ थी। विकास डब्ल्यूएच एसपी कर्मचारी मजदूर यूनियन श्रीगंगानगर अध्यक्ष हनुमान मेहरड़ा, संघर्ष समिति अध्यक्ष वर्मा, पूर्व प्रधान करणी सिंह, वरिष्ठ साथी दर्शन सिंह अठवाल, डॉक्टर सतपाल वर्मा, ओम प्रकाश आचार्य, बलवीर सिंह सोनी, भगवंत सिद्धू, मदन गोड़, कृपाल जियाणी, महावीर कसवा, युवा मोर्चा अध्यक्ष गोल्डी पहलवान, सुरेश रणवा, सुनीता नायक, सीमा सालू, अनूपगढ़ तहसील अध्यक्ष अस्कर अली, एडवोकेट बेन सिंह, मीडिया प्रभारी संदीप सिंह, जिला मीडिया प्रभारी सुखविंदर सिंह, वीरेंद्र मेघवाल, मधु चौधरी, सत्यनारायण ताखर, मोहम्मद अली, इंद्राज, ओम प्रकाश, बबलू, सुखविंदर, वीर सिंह, रणजीत सिंह, पृथ्वी सिंह, वेद प्रकाश चौहान, ओडकी सहित अन्य कार्यकर्ता रोस मार्च में शामिल हुए। जिलाध्यक्ष शंकर मेघवाल ने कहा कि राजस्थान राज्य में अन्य प्रदेशों की तुलना में सर्वाधिक महंगी बिजली नागरिकों को मिल रही है। बिजली दर पर अनेक प्रकार के नाजायज शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं को 10 रुपये प्रति यूनिट से भी अधिक की दर से बिजली बिलों का भारी भरकम भुगतान करना पड़ रहा है, जबकि राजस्थान सरकार को बहुत कम कीमतों में बिजली मिल रही है तथा राजस्थान बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर है। कोरोना काल में 2 माह के बिजली बिल माफ़ करने की बजाय राज्य सरकार द्वारा नित्य नई सरचार्ज लगाकर घरेलू व्यवसायिक उपभोक्ताओं को बिजली की वास्तविक खरीद से कई गुना अधिक कीमत पर बिजली बिल जारी किए जा रहे हैं, जिसमें आमजन सहित प्रत्येक वर्ग का जीना दुर्भर हो गया है। पंजाब की फैक्ट्रियों उद्योगों का अपशिष्ट केमिकल युक्त काला दूषित पानी श्री गंगानगर की नहरों में आ रहा है। नहरों का पानी सिंचाई के साथ साथ पीने के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। दूषित केमिकल युक्त जहरीले पानी से क्षेत्र में कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है तथा अनेक घातक बीमारियाँ फैल रही हैं। इससे जनजीवन खतरे में है। पूरे देश में सर्वाधिक महंगा पेट्रोल डीजल श्रीगंगानगर में बिक रहा है। शंकर मेघवाल ने कहा, गहलोत सरकार द्वारा कोरोना काल के बावजूद पेट्रोल डीजल पर अत्यधिक वेट वसूला जा रहा है, जिससे पड़ोसी राज्य पंजाब की तुलना में श्रीगंगानगर में पेट्रोल डीजल पर लगभग 10 रुपये का भारी भरकम अंतर है। इस अंतर को समाप्त किया जाए तथा केंद्र सरकार पर दबाव डालकर तीनों काले कृषि कानूनों को निरस्त करवाया जाए। जिलाध्यक्ष शंकर मेघवाल ने कहा कि कहाँ की राज्य सरकार की कुनौतियों के कारण किसान, मजदूर, छात्र, व्यापारी, आमजन सहित प्रत्येक वर्ग पीड़ित व त्रस्त है। आम आदमी पार्टी ने पुरजोर शब्दों में मांग की है कि अविलंब महंगी बिजली की दरों को कम किया जाए, प्रतिमाह दिल्ली की तर्ज पे 200 यूनिट बिजली निःशुल्क प्रदान की जाए, कोरोना काल के मद्देनज़र 2 माह के बिजली पानी के बिल माफ़ किए जाएँ, दूषित जल की समस्या का स्थायी निराकरण किया जाए तथा पेट्रोल डीजल पर भारी भरकम वेट की दरों को कम करके आमजन को राहत प्रदान करने की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी श्रीगंगानगर से।